धान उपार्जन केंद्र में प्रशासन की लचर व्यवस्था के चलते किसान परेशान। खैरागढ़ चुईकदान गंडई जिला अंतर्गत ग्राम बुंदेली में धान उपार्जन केंद्र अभी खबरों की सुर्खियों में चरई है। बता दें, धान खरीदी 1 नवंबर से पूरे छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है, परंतु बुंदेली धान खरीदी केंद्र में आज 23 नवंबर हो गया। विवाद के चलते किसान परेशान है और धान खरीदी काम शुरू नहीं हो सका है। आखिर यह विवाद है क्या? दरअसल सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक पालन दास मानिकपुरी के मनमानी तरीकों से उपार्जन केंद्रों को छोड़कर सीता डबरी नजदीकी गांव में खरीदी शुरू किया गया है। तब फिर ग्राम बुंदेली के किसान इस तरीके से चल रही मनमानी को रोकने के लिए कलेक्टर से शिकायत कर निलंबित करा दिए। निलंबित के पश्चात किसी अन्य को प्रभार दिया गया। दोनों जगहों में खरीदी शुरू करने का आदेश दिया गया, जिसमें सीता डबरी में सोमवार से बुधवार तक की खरीदी किया जाएगा। वहीं बुंदेली में गुरुवार व शुक्रवार खरीदी करनी थी, परंतु यहां इन दो दिनों भी खरीदारी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इस बीच गांव के किसानों का 23 नवंबर की टोकन भी जारी हुआ, जो आज है, जिसमें सुबह से किसान खरीदी होगा या करके इंतजार में बैठे हुए हैं। लगातार 3 घंटे बैठे रहने के बाद भी खरीदी शुरू नहीं हो सकी। अब किसान प्रशासन की लापरवाही से परेशान होकर नाराजगी बता रहे हैं। अगर धान खरीदी बंद है अभी, अगर आगे अगर धान खरीदी नहीं होता है तो आप किसान क्या करेंगे? यहाँ सोसाइटी में आके धरना बैठे रहेंगे सर, और क्या करेंगे जी? धरना करने के लिए तैयार है जी। कब तक देखेंगे आप जब धान तक हमारी मांग पूरा नहीं करेंगे कलेक्टर साहब जो भी है, तब तक बैठे रहेंगे, क्या करेंगे? धान खरीदी का काम तो प्रशासन का ही है ना, हम लोगों का तो नहीं है।